कोई जो सीनियर नेशनल टीम प्लेयर आके बोला सा पास में कि हाँ यार अच्छा खेला, ये कर वो कर, या फिर किसी ने डांटा होगा फील्ड पे जब कुछ सही नहीं कर रहा, तो कुछ नर्वसनेस तो काफी होगी क्योंकि, तो गेम के बाद कैसा था, किसी ने आगे कुछ बोला? ऑब्वियसली गेम हार गए थे अपन, क्यूरासाओ 3-1 आ रहे थे शायद, 3-1 या 3-0 याद नहीं मुझे अब, या थ्री बट थ्री नील, थ्री नील था तो नील हारे थे शायद। मैच के बाद थ्री साइड 3-1 था, ओके आई गेस पता नहीं सो। याद नहीं यार। तो मैच के बाद प्लेयर्स लोग में इन सब मैच अच्छा मूड पे नहीं था, तो लेकिन अच्छा मूड फिर भी मुझे सबसे दिया, मीन्स मुझे आके बोला कि हमारे अच्छा खेला, तो ऐसे ही मीन्स खेलते रहना। तो मैं ऐसे एक प्लेयर का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि सब प्लेयर्स ने, एक टीम ने मुझे आके मीन्स शाबाशी दिया है। तो मीन्स सब प्लेयर जितना भी उस टाइम पे जो भी प्लेयर्स थे, सीनियर प्लेयर्स और मेरे नरेंद्र, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इंकरेज किया है और मुझे प्राउड फील करवाया है कि तूने अच्छा खेला है। तो मैच के अंदर भी उसके पीछे से ग्रुप बाय, जिंगल बाय, अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ वो लोग इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं, फुटबॉल है, फुटबॉल तो स्पोर्ट्स है, मीन्स एवरी फील्ड पे मिस्टेक तो होता ही है। तो ये सब चीज मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा इंकरेज किया, तो बहुत ज्यादा मैं मुझे एज ए यंग प्लेयर मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, मैं बहुत साल से मैं उनके मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ कब खेलेगा, उनके साथ कब डाइनिंग हॉल ये सब रूम कब शेयर करेगा, मीटिंग हॉल ये सब। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंकरेज किया है, तो आई एम वेरी हेल्पफुल हूँ और ग्रेसफुल भी हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मैन ओके आई मीन्स इंकरेज किया है। तो सोशल मीडिया के थ्रू पे भी, जब मैं इंजर हुआ उनके सोशल मीडिया के थ्रू पे भी मुझे मैसेज आता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको जल्दी वापस आना है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील वेरी ग्रेट। ऑब्वियसली लाइक मैं भी वही सोच रहा था कि कितनी यंग एज पे आप आए हो ना, कि इन जो प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो उनको खेलते हुए देखा भी है, लाइक उनके यस सर फैंस भी एक तरीके से, बट उस टाइम पे जाके कैप्टन भी था, मैं कर सकता हूँ, मैं नेशनल टीम में खेल भी सकता हूँ, तो काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो किसने सबसे ज्यादा ईज यस इन सर करवाया नेशनल टीम, कौन कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने सारे नर्व्स काम डाउन करवा दिए, कहा कि यार तू चिंता मत कर, कौन सा ऐसा सीनियर प्लेयर था जिससे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ? इंटरेक्शन मीन्स सबसे हुआ, मीन्स मेरे लिए, मीन्स सब मेरे लिए सब इक्वल है, मीन्स सब एवरी, मैं ऐसे पॉइंट करके नहीं बोल सकता कि इस प्लेयर ने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है, इंकरेज किया है, शाबाशी दिया है। मीन्स एवरी प्लेयर्स मीन्स मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ कि एवरी प्लेयर ने मुझे मीन्स एक उनके अंदर दिखता है कि अमरजीत ग्राउंड पे खेले और अच्छा परफॉर्म करे, मीन्स सब प्लेयर्स के अंदर दिखता है। इवन दो मैं पोजीशन में पूर्णा भाई है और उधर वो थापा भाई है और भी बोर्जेस भाई है, मीन्स सीनियर प्लेयर्स में उनकी अंदर भी दिखता है, उनकी मीन फेस पे भी दिखता है कि अमरजी अंदर जाके खेले। तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि एज मेरे सेम एरिया है और सेम पोजीशन में भी वो लोग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि तू अच्छा खेलना है और टीम के लिए कुछ करना है, टीम के लिए मीन्स हेल्प करना है। तो वो सब चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई कोई प्लेयर होता है कि अगर वो प्लेयर मुझे मेरे पोजीशन में खेल रहा है तो मैं उसको क्या 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 कहता है मीन्स थोड़ा सा डाउट फील कराऊंगा, ये सब चीज वो मीन नेगेटिव नेगेटिव माइंडेड वो प्लेयर्स मीन्स सीनियर प्लेयर्स के अंदर नहीं है, मीन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड है। अगर मीन्स एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, मीन टीम के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन है, एक भाई की तरह, छोटा भाई बड़ा भाई की तरह है, मीन टीम पे अगर कोई अच्छा करता है तो उसको इंकरेज करता है, अगर कोई बुरा करता है तो उसको कहता है कि आप ये चीज पे बेटर कर सकते हो। तो मीन्स एक टीम के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन है, मीन्स कोचेज स्टाफ बहुत बहुत ज्यादा, मेरे मेडिकल स्टाफ मेरे लिए बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे इंजर जब इंजर हुआ तो एवरी टाइम मुझे मैसेज करता है, मुझे कॉल करता है,
तो अब क्या कर रहे हो अभी, क्या क्या आपका क्या शेड्यूल है क्या अभी? इवन दो अभी भी मुझे मैसेज करता है, जी सर अभी भी मैसेज करता है कि मुझे अभी क्या कर रहे हो, अभी आपके कुछ प्रॉब्लम तो है या क्या, क्या करना है क्या नहीं करना है? तो मुझे एक बहुत, मैं जब नेशनल टीम में खेलता है तो एक प्राउड फीलिंग होता है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप एक वो अलग स्टोरी है, लेकिन एवरी प्लेयर का मेन ड्रीम होता है कि आप सीनियर टीम के लिए कब खेलोगे। छेत्री भाई लेजेंडरी, लिविंग लेजेंडरी, और उदंत भाई और जैकी भाई, और बहुत सारे अमरिंदर भाई, संदेश भाई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उनके अंदर उनके साथ खेलना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हूँ। मीन्स अभी यंग एज पे उनके साथ ट्रेन करना, तो उनका हर एक बात जो एक्सपीरियंस हो डाइनिंग टेबल पे शेयर शेयर करता है, मीन्स क्या क्या किया उन्होंने क्या, तो बहुत ज्यादा मीन्स डाइनिंग हॉल में। तो जब डिनर होता है या लंच होता है, मील खत्म होता है, उसके बाद भी हम लोग बात करते हैं कि सिटी भाई बैठता है, फिर हमको बताता है उनके एक्सपीरियंस क्या क्या था। तो बहुत हमको भी एक मजा, अंदर से भी मजा आता है, और एक मोटिवेट होता है कि सिटी भाई हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और इतना कुछ शेयर कर रहा है। तो खाने पीने का बहुत ज्यादा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की, ये खाना है और ये नहीं खाना है, तो बहुत ज्यादा एक प्राउड फीलिंग होता है कि उनके उनके अंदर खेलना उनके साथ, तो मजा भी आता है साथ साथ में। आई एम श्योर वो तो आएगा ऑब्वियसली। क्षेत्री तो क्षेत्री का मजा तो आएगा ऑब्वियसली बात है। थोड़ा डर भी लगता होगा कि मेरे यस यस को लगता डर, क्योंकि डर तो लगता है अंदर से, जब लगते और डर को वो भगा देता है छेत्री भाई, क्योंकि मैं जो उनके साथ खेलना, तो मैं एक अगर मेरे से कुछ पास उनको गलती से हो गया तो क्या चिल्लाएगा क्या बोलेगा, ऐसे सोचता था। फिर उसके अपोजिट वो बोलता है, उसके अपोजिट बोलता है कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करने के लिए और अच्छे करने के लिए करो। मीन्स एक जो हमने सेम चीज और बार बार मिस्टेक किया है, तो फिर हर एक इंसान के अंदर आता है कि आप हर एक चीज, हर एक जो सेम चीज को बार बार मिस्टेक कर रहे हो, तो मीन्स एक फर्स्ट्रेट भी होता है। मीन्स छठे भाई लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, अभी आप लोग यंगस्टर हो, मीन्स आप इतना एज भी, अब यंग एज में आप इस लेवल पे आए हो, बहुत ज्यादा आपके लिए भी प्राउड फील है, और आपकी जो मेहनत किया है उसका भी पेड ऑफ है। तो वो ऐसे मोटिवेट करते, तो हमको भी इंजॉय इंजॉय करता हूँ कि उनके हर एक बातें, हर एक एक्सपीरियंस, प्री प्लेयर्स का जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो बहुत ज्यादा इंजॉय भी करता हूँ। और जैसे मेनली मुझे बहुत मन करता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ बैठ के बात करना, उनका मीन्स जो पुराना बातें और उनका एक्सपीरियंस शेयर सुनना, तो बहुत ज्यादा उस चीज को मैं इंजॉय करता हूँ।